Hello students, how are you all? I hope all are you fine. Today I am going to teach you computer subject and today we are going to revise our chapter 5 of our computer book. Many of the students were not completed their chapter 5 till now. So I will revise this chapter today. So who are not completed their chapter 5 will complete it today with the help of दिस वीडियो. जिन बच्चों ने अभी भी अपनी कंप्यूटर बुक का चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स राइट नहीं किए हैं, आज वो ये वीडियो देखकर अपना चैप्टर नंबर 5 के सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से राइट करेंगे और अपना चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे. ओके, तो आपको अच्छे से ये वीडियो देखना है, पेंसिल, इरेजर और बुक अपने साथ रखना है और मेरे साथ साथ ये आप सारे आंसर्स लिखते जाना है अच्छे से in good handwriting without any spelling mistake. Okay, so all my dear students, please open your computer book in page number 54. Okay, in page number 54 and keep your pencil and eraser with you and write the answers with me. Okay, in page number 54, activity first is there. The question of activity first is write the name of commands present in file tape. यहाँ पे आपको बताना है कि जो फाइल टैब होती है उसमें जो कमांड्स, यहाँ पे फोटोज दे रखे हैं आपको, ये चार फोटोज दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, इनके क्या नेम होते हैं आपको उनके सामने लिखना है. तो जो फर्स्ट वाला होता है ये होता है सेव कमांड के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे सेव लिख दिया है SAVE. ओके, सेकेंड होता है हमारा सेवस, सेवस यहाँ पे हम लिखेंगे SAVE और AS, सेवस. थर्ड जो है ये ओपन के लिए होता है, ओपन कमांड के लिए होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपन, OPEN. ओके, और लास्ट है हमारा क्लोज के लिए, जब हमको एमएस वर्ड क्लोज करना होता है तो उसके लिए हम इस क्लोज कमांड को क्लिक कर एमएस वर्ड को क्लोज कर सकते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्लोज, CLOSE. ठीक है, फर्स्ट में लिखा हमने सेव, SAVE सेव. सेकेंड में लिखा हमने सेव अस, SAVEAS सेव अस. थर्ड में लिखा हमने ओपन, OPEN. और लास्ट में लिखा हमने क्लोज, CLOSE. ओके, तो ऐसे आपको सारे ये फोर आंसर लिखने हैं अच्छे से, कैपिटल लेटर्स में आपको ये सारे स्पेलिंग राइट करना है. ओके, नाउ एक्टिविटी सेकंड इज, द क्वेश्चन ऑफ एक्टिविटी सेकंड इज लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एमएस वर्ड 2010 कमांड्स. जो 2010 एमएस वर्ड होता है उसमें जो अलग अलग लेवल होते हैं कंपोनेंट्स के लिए, उसको आपको यहाँ पर उनके नेम यहाँ पर आपको राइट करना है. तो हमने पहले भी इसको समझा है बुक में, जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी हमने समझा था कि कहाँ पर आपकी टाइटल बार, रिबन, फाइल टेप, कंट्रोल बटन्स, क्विक एक्सेस टूल बार होती है. उसको आज हम फिर से देखने वाले हैं, फिर से समझने वाले हैं. तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अपने आंसर्स कंप्लीट करेंगे. तो सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पर देखना है, ये यहाँ पर आपको इतने से जो छोटी सी ये बार होती है, टूल बार होती है, जिसमें हम हमारे जो भी कमांड्स होते हैं उसके शॉर्टकट्स को यहाँ पर रख सकते हैं ताकि हम जल्दी से उसका यूज़ कर सकें. तो इस टूल बार को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार. इसकी स्पेलिंग होती है QUICK, क्विक एक्सेस, ACCESS. और टूल बार TOOLBAR, टूल बार. ओके, तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाले बॉक्स में लिखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार. ओके, नाउ सेकेंड यहाँ पे आपको दे रखा है जिसपे आपकी क्विक एक्सेस टूल बार होती है और कंट्रोल बटन, जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन होते हैं, उसको जिस बार पर आपके ये सारे ऑप्शंस होते हैं, सारे कमांड होते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइटल बार. उसको क्या बोलते हैं हम, टाइटल बार. उसके बाद टाइटल बार पर आपको जो लास्ट वाला जो कमांड होती है, जो शॉर्टकट बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, ये होते हैं आपकी कंट्रोल बटन के ऊपर. ठीक है, ये जो आपके मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं, ये आपके कंट्रोल बटन्स पर होते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रोल बटन, CONTROLBUTTONS, कंट्रोल बटन्स. ओके, तो ये थ्री तो हमने ऊपर लिख लिए हैं, अब नेक्स्ट के नीचे उसके थ्री हम लिखेंगे. अब जहाँ पे हमको कट, कॉपी, पेस्ट, जो क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है उसके ऊपर आपको देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल, जो आपको बुक वाले ने यहाँ पर अंडरलाइन करके आपको बता रखा है कि इसका नेम क्या होता है, ये फाइल जो लिखा है वो क्या होती है.
ग्रुप होती है, कमांड होती है, टेब होती है, क्या होती है। तो हम यहाँ पर जो फाइल लिखा होता है ये टेब होती है, तो जो फाइल टेब हम यहाँ पर राइट करेंगे एफ आई एल ई टी ए बी, फाइल टेब। ओके, उसके बाद ये जो सारे आपके ग्रुप्स और कमांड्स होती है वो आपको जिस के अंदर मिलती होती है आपका रिबन और ग्रुप्स, ये आपकी इतनी बड़ी पूरी रिबन होती है आपकी टाइटल बार के से लेकर नीचे आपके जितने भी ग्रुप होते जहाँ तक, ये सारी होती है रिबन, और उसके अंदर जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं वो रिबन एंड ग्रुप्स। ओके, आर आई डबल बी ओ एन रिबन एंड स्लेश लगा के आप यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप्स, जी आर ओ यू पी एस ग्रुप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 55। वॉट इज एम एस वर्ड प्रोग्राम, वॉट इज एम एस वर्ड प्रोग्राम, एम एस वर्ड जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, कैसा होता है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर, हार्डवेयर और टूल। तो जो एम एस वर्ड प्रोग्राम होता है वो एक वर्ड प्रोसेसर होता है, इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट वाले सर्कल में टिक करेंगे। हार्डवेयर नहीं होता है इसलिए हमने टिक नहीं किया है, और टूल्स नहीं होता है इसलिए भी हमने टिक नहीं किया है, क्योंकि जो एम एस वर्ड प्रोग्राम होता है वो एक वर्ड प्रोसेसर होता है, इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट वाले सर्कल में टिक करेंगे। ओके, सेकेंड है विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइल टेप, आपको बताना है कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा पार्ट फाइल टेप में नहीं होता है। तो न्यू फाइल टेप में होता है, न्यू कमांड जो होती है वो होता है, सेव कमांड भी होती है, बट जो कट कमांड होती है वो फाइल टेप में नहीं होती है, वो होम टेप के क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमको मिलती है। तो ये जो कट कमांड है इसको हम यहाँ पर टिक कर देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है टाइटल बार अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, जो टाइटल बार होती है वो स्क्रीन पर हमको मिलती है, कहाँ पर मिलती है, राइट साइड मिलती है, टॉप साइड मिलती है या बॉटम साइड मिलती है। तो जो टाइटल बार होती है अभी हमने उसके बारे में देखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी टाइटल बार हमारी स्क्रीन के सबसे ऊपर टॉप पर होती है, यहाँ पर ये टाइटल बार आपकी सबसे ऊपर होती है। तो हम इसमें ऑप्शन जो जहाँ पर टॉप लिखा है उस वाले सर्कल में हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो जो टाइटल बार होती है हमें स्क्रीन के ऊपर ऊपर ही ऊपर जहाँ पर सबसे ऊपर जो टॉप होता है उसको बोलते हैं हम टॉप, तो ऊपर ये आपको टाइटल बार स्क्रीन पर मिलती है, तो हम इस पर टिक कर देंगे। ओके, नाउ लास्ट है देर आर स्क्रॉल बार्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें स्क्रॉल बार होती है, कितनी होती है, टू होती है, थ्री होती है या फोर होती है। तो जो स्क्रॉल बार होती है हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में वो होती है टू, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है, तो हम यहाँ पर टू वाले ऑप्शन में सर्कल में टिक कर देंगे। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर बी है वह हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये नहीं कर रखा है वो इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, पेज नंबर 54 की एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 और क्वेश्चन नंबर ए ऑफ पेज नंबर 55। और जिन बच्चों ने ये कर लिया था पहले वो अपना आंसर चेक कर लेंगे, ताकि कभी उन्होंने बाय मिस्टेक कोई सी मिस्टेक कर दी हो तो वो उसको सही कर कर वापस से जो सही आंसर है उसको राइट कर पाए, ठीक है। तो यू विल कंप्लीट दिस क्वेश्चंस एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 एंड क्वेश्चन नंबर ए, ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स वी विल कंप्लीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, ओके, एंड यू ऑल्सो लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 एंड क्वेश्चन नंबर ए, इट्स योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।